मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेंस। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक इमारत गिरने की घटना सामने आई है जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है मलबे से और अब तक 14 लोगों से भी ज़्यादा लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है जबकि और भी कई लोगों की मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इमारत ढहने के बाद स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को फोन करके इमारत ढहने की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि जो इमारत जमींदोज हुई है वो ग्राउंड प्लस 2 मंजिला थी। घटना के बाद मौके पर NDRF की टीम पहुंच गई है और मलबे से कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत बचाव कार्य जारी है। फिलहाल इस पूरे हादसे में बताया जा रहा है 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये इमारत गिरने की घटना आज दोपहर के वक्त में हुई है। बहरहाल राहत बचाव कार्य जारी है। दो लेडीज, एक लड़की और एक मेरा साथ जो था वो। और अंदर कौन फंसा है? अंदर अभी बहुत लोग फंसे, मैं जानता नहीं ना। वो नीचे वाले नहीं निकल दिए क्या तूने? नीचे वाले नहीं निकले, सब दबे। सब लोग रहते थे क्या बिल्डिंग में? कितने लोग रहते थे बिल्डिंग में? लगभग 200 से 250 लोग रहते थे। 200 से 250 लोग रहते थे। अभी दिन में सब काम पे गए होंगे, किसी में रहते थे? कुछ लोग काम पे गए थे, कुछ लोग नहीं। अभी कितने फंसे होंगे लोग? कंपनी है ना, साले कंपनी वाला तो अभी कोई निकला भी नहीं। कंपनी में कितने लोग थे? 30-35 लोग होंगे। ये नीचे वाली कंपनी का क्या बनता है? ये रोज दिख रहा है प्रोडक्ट है ये बनता, लेकिन हम लोग जानते नहीं क्या बनता है। आपका नाम क्या? कुलदीप। इसी में रहते थे आप? कितने साल से रहते थे? अरे ज्यादा नहीं, 7 महीने से। परिवार के साथ में? जाओ तिकड़ा। पहुंची मौके पे, क्या पोजीशन है, कितने लोग टूटे और कितने लोगों को बचाया गया? 2 बजे हमें थाने महानगर पालिका TDRF डियास्ट मैनेजमेंट ऑफिसर RDMC में कॉल आया, तो हमारे डियास्ट मैनेजमेंट ऑफिसर अविनाश सावंत साहब ने हमें बताया कि भिवंडी वालपाड़ा में एक बिल्डिंग गिरी है, उसमें कुछ लोग फंसे। तो हम तुरंत यहाँ पे पहुँच गए 2:30 बजे। पहुँचने के बाद देखा पूरे बिल्डिंग को पहले राउंड लिया, तो गोडाउन के ऊपर रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी, नीचे गोडाउन था, ऊपर रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी। तो गोडाउन में 15-16 लोग काम कर रहे थे। ऐसे जो गोडाउन में जो अभी निकले हैं उनका कहना है कि 15-16 लोग गोडाउन में फंसे थे और ऊपर रेसिडेंशियल में अभी तक आंकड़ा पता नहीं चला है कि कितने लोग फंसे थे और क्या पोजीशन है, क्योंकि 8 लोगों का भी रेस्क्यू किया है। 6 लोग तो पहले निकल गए, 2 लेडीज़ थी वो भी अभी हॉस्पिटल में पहुँच दिया है। इसमें अंदर फंसे होने कुछ आवाज़ें आ रही है, कुछ मोबाइल लगाने के बाद कॉल की रिंगे आ रही है। जैसे जैसे हम यहाँ पे पहुँचे तभी हमें पता चला कि अंदर कॉल लग रहा है और अंदर से आवाज़ आ रही है। तो हमने पूरे बिल्डिंग को पहले राउंड लिया, पहले राउंड लेते समय हमने देखा कि कहाँ से ही आवाज़ नहीं आ रही है। जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ से देखा हमने, तो वहाँ से भी आवाज़ नहीं आ रही थी, और जहाँ पे आवाज़ आ रही थी वहाँ पे हमने जाके चेक किया, फिर भी वहाँ पे आवाज़ नहीं आई और कॉल भी नहीं लग रहा है। लगभग क्या लगता है कि अंदर कितने लोग सुरक्षित होंगे और कितने लोग? अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते।